मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक जो है आपको सेम लाइट जो है वो देखने मिल रही है, वो देखिए ठीक है, डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। राइडिंग के टाइम पे ये डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु, मैं जितेंद्र। दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं कंप्लीट फॉग लाइट सॉल्यूशन जो कि है इस बॉक्स में, एंड पूरा सेटअप जो है फॉग लाइट का, ऑक्सिलरी लाइट का, वो हम करने वाले हैं अपने बुलेट में। किस तरह से फिट किया जाता है वो सारी डिटेलिंग तो आएगी आएगी, साथ ही साथ आपको मालूम ही है कि जो कंपनी की हेडलाइट होती है ना वो नाइट में उतनी प्रॉपरली विजिबिलिटी नहीं दे पाती। स्टार्टिंग में थोड़ा सा सही रहता है, फिर धीरे धीरे डलनेस जो है बन जाती है, एंड उसी के लिए हम जो है एक्स्ट्रा फॉग लाइट लगाते हैं, एंड उसमें चलान का डर भी होता है। बट इस फॉग लाइट में चलान का डर भी नहीं है, एंड इसके साथ पूरा सेटअप आता है। तो क्या है इस बॉक्स में, अनबॉक्सिंग तो करेंगे साथ ही साथ इसको फिट भी करेंगे, एंड बहुत सारी डिटेलिंग जो है ना आगे वीडियो में आने वाली है। तो मेक श्योर इस वीडियो आखिर जो देखिए, चलिए जानते हैं। दोस्तों पहले करते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्सिंग, फिर बाकी सारे डिटेलिंग करते हैं। बट उससे पहले अगर मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए टाइम टाइम आ सके। तो ये है फॉग लाइट, इसको बाजू में कर देते हैं। ये है वायरिंग किट, वायरिंग हार्नेस, एंड ये है कवर्स, इसको इधर रख देते हैं। ओके, तो बॉक्स हो गया पूरा खाली। दोस्तों ये तीन प्रोडक्ट जो है इसमें से निकले थे। ये है वैष्णो की पूरी फॉग लाइट किट, जिसको आप इजीली जो है बाइक पे हम लगा सकते हैं, एंड ये टोटली रेट्रो किट है। ये इस तरह से कुछ डिज़ाइन होता है ठीक है, जिसको आप इजीली फिट कर सकते हैं, एंड लुक को अपनी बाइक को जो है एस्थेटिकली और लुक वाइज जो है बहुत ही प्रॉपर भी लगती है। एंड ये वैष्णो का है, एंड सिंस 1971 है, बहुत ही पुरानी ब्रांड जो है ये है। LED ऑक्सिलरी लाइट्स हैं, एंड इसको चलिए ओपन करता हूँ मैं इसको, एंड मैं दिखाता हूँ किस तरह से इसका डिज़ाइन है। तो इसके अंदर स्टिकर दिया हुआ है, थैंक यू लेटर है, एंड और स्टिकर्स दिए हुए हैं, और ये है फॉग लाइट्स जिसको मैं फिट करने वाला हूँ। ये हैं वो दो राउंड शेप फॉग लाइट, क्रोम कलर में मैंने मंगाया हुआ है, क्योंकि बुलेट में मेरे को क्रोम कलर जो है ज़्यादा बेटर लगता है। तो इसको करते हैं थोड़ा बाजू में, एंड बाकी बॉक्स भी ओपन करता हूँ, एंड उसमें दिखाता हूँ क्या आ रहा है। सेकंड है ये वायरिंग हार्नेस ठीक है, तो इसमें ऑक्सिलरी लाइट की भी आती है, हेडलाइट की भी आती है, हॉर्न्स की भी आती है, मल्टीपल वायरिंग हार्नेस जो है ये वैष्णो जो प्रोडक्ट्स ब्रांड है वो सेल करती है। उसका पूरा प्राइस लिस्ट के साथ में यहाँ पे दे रखा है, मतलब पूरा डिटेल जो है यहाँ पे दे रखा है, ये आप देख रहे हैं प्राइसिंग के साथ में आपको मिल सकता है। एंड जैसे मैंने बताया अगर आपको फोर फॉग लाइट्स फिट करनी है, ऑक्सलाइट फिट करनी है, तो उसके लिए भी है दो ऑक्सलाइट का, तो ऑलरेडी ये बॉक्स है, हेडलाइट के लिए है, हॉर्न्स के लिए है, बाकी सबके लिए डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। तो आप चाहें तो बाकी अगर वायरिंग किट बाय करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो इसको भी ओपन करते हैं, तो इसके अंदर से ये निकलती है पूरी वायरिंग किट, जिसको आप डायरेक्टली अपने बाइक फिट कर सकते हैं विदाउट एनी वायर कटिंग, कोई वायर कटिंग की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली जो है आपकी बाइक में ही ये फिट हो जाता है। तो चलिए इसको भी अंदर रखते हैं, और लास्ट प्रोडक्ट जो है दोस्तों, एंड ये आप देख सकते हैं इसे कवर, आपको इसके ऊपर कवर करना है, एंड डायरेक्टली जो है इसमें ग्लासेस दे रखे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये येलो कलर है ठीक है, अंबर कलर भी बोल सकते हैं, ये इसका जो है ऊपर डायरेक्ट, अगर आप कवर करना चाहते हैं इसको यूज़ नहीं करना चाहते और सिटी में यूज़ कर रहे हैं जहाँ चलान का प्रॉब्लम है, तो ये बहुत ही सही कवर है जो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड ये है क्लियर ग्लास, जो आप नॉर्मली अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो क्लियर ग्लास में आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप वाइट लाइट यूज़ करना है तो येलो लाइट के लिए ये, और ये उसका कवर। तो चलिए अब जल्दी से इसको फिट करते हैं, किस तरह से फिट करने वाला हूँ वो भी दिखाता हूँ। दोस्तों अब बारी आती है वायरिंग की, तो वायरिंग के लिए जो आप ये पूरा रिले सेट देख रहे हैं इसको आप टोटली प्लग इन प्ले कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे करके इसको निकाल सकते हैं, एंड मैं इसके अंदर जो है इस पार्ट को रखूँगा, एंड यहाँ पर फ्यूज़ है तो फ्यूज़ भी इसके पार्ट में रहेगा, बाकी ये जो दो कनेक्शन है
पॉजिटिव नेगेटिव का, वो बैटरी में जाने वाला है। तो चलिए इतने पार्ट को मैं कंप्लीट करता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा फास्ट करके दिखाता हूँ उसको। तो दोस्तों रिले जो है इसके अंदर डाल दिया गया है, यहाँ से वायर निकाल दिया है। मैंने सिर्फ अभी ब्लैक वायर दिया हुआ है, रेड का भी वायरिंग नहीं दिया हुआ है। रेड का वायरिंग कंप्लीट जो हो जाएगा उसके बाद ही दूंगा एंड अभी जो है इस वायरिंग को इसके नीचे निकालूंगा। एक बात इसकी ये है ना इस वायरिंग की कि इसमें मैसअप नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ में जिप लॉक्स भी आए हुए हैं, जिप टाइज भी आए हुए हैं, तो जिप टाइज से यहाँ पर लगा के जो है इसको अंदर से लेके जाएंगे एंड आगे से सिर्फ एक कनेक्शन देना होगा इग्निशन से एंड दैट्स इट। उसके बाद स्विच तो इसके साथ में ही है, ये देखिए। तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, जो अपनी सेम जो ऑन ऑफ वाली बटन होती है ना वैसा ही सेम क्वालिटी का जो है ऑन स्विच दे रखा हुआ है। तो चलिए इसको फिट करते हैं। दोस्तों इग्निशन का जो की होता है वो ये रहा उसका वायरिंग। तो आपको जो है इसके इस पार्ट में देना है जो रेड वाला पार्ट होता है, ना कि रेड एंड वाइट वाले में, ठीक है। इसमें अगर आप देते हैं कनेक्शन तो आपको जो है वर्किंग इजीली स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप इग्निशन देंगे तभी जो है फॉग लाइट्स ऑन होंगे। तो वायरिंग जो है हो चुकी है, सबको थोड़ा सा सेट शूट करते हैं, फिट विट करते हैं, फिर फाइनल टेस्टिंग जो आपको दिखाता हूँ मैं। अब करते हैं ऑन एंड देखते हैं कैसा जो है ये वर्क करता है। तो बाइक स्टार्ट के साथ करते हैं वरना बैटरी पे थोड़ा सा जो है फर्क पड़ सकता है। तो बाइक को पहले स्टार्ट करते हैं, बाइक स्टार्ट हो गई है। अब सिर्फ फॉग लाइट को पहले दिखाता हूँ, ये येलो फॉग लाइट है। वाह, मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक जो है आपको सेम लाइट जो है वो देखने मिल रही है, वो देखिए, ठीक है। इवन अभी तो ये वॉल है, वॉल से आगे भी जो है आपको अच्छी विजिबिलिटी जो है देखने को मिलती, ठीक है। एंड ये हेडलाइट के साथ में भी करके दिखाता हूँ, ये देखिए हेडलाइट भी दिख रही है, ये देखिए। हैंडल की वजह से थोड़ा टेढ़ा है, हैंडल ऐसे है तो इसकी वजह से ऐसे दिखा रहा है, ये देखिए। अब आप ये देख सकते हैं मैंने दोनों कवर जो है निकाल दिया है येलो, एंड ये रहा बाइक स्टार्ट ही है और कुछ इस तरह से फोकस आता है। तो आप ब्राइटनेस देख सकते हैं स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है। डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है राइडिंग के टाइम पे, ये डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। एंड सामने से भी आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए। मगर वाइट लाइट हल्की सी जो है आगे वाले को डिस्टर्ब करती है, हल्का सा जो है वाइट लाइट, कोई भी वाइट लाइट हो हल्का डिस्टर्ब करता है। एंड इसका जो है फोकस बहुत दूर तक आ रहा है। अभी मैं इसमें हेडलाइट ऑन करता हूँ, ये देखिए हेडलाइट मैंने ऑन किया, ये देखिए ये हेडलाइट का फोकस विदाउट हेडलाइट, बहुत ही सही विजिबिलिटी जो है मिल रही है। तो दोस्तों आपने देखा इन दोनों का ही फोकस रोड पे ही एंड स्ट्रेट करके मैंने दिखाया फोकस, येलो ग्लास के साथ भी, क्लियर ग्लास के साथ भी एंड दोनों कॉम्बिनेशन के साथ में भी। तो आपको टोटली आइडिया हो चुका होगा इनका फोकस बहुत सही है। ये वैसे 70 वॉट्स का पेयर है, मतलब 35-35 वॉट्स की फॉग लाइट है। उतना ज़्यादा भी आपको आगे अगर आप खड़े रहेंगे तो आँखों में नहीं चुभती, मेन चीज़ वो है। और उसमें रिफ्लेक्टर जो दिए हैं ना वो बहुत ही सही वर्क करते हैं, अच्छा व्यू आपको देते हैं नाइट में, जो कि ज़रूरी होता है। अगर आप हाईवे राइड कर रहे हैं, सिटी राइड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये फॉग लाइट्स की नाइट में आजकल ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज सिर्फ हेडलाइट से नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो फॉग लाइट है, अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो वैष्णो का जो पूरा फॉग लाइट किट जो आपको मिल रही है वो 5,299 है, जिसमें फॉग लाइट आ रहा है, वायरिंग हार्नेस आ रहा है एंड इसके जो कवर्स हैं वो साथ में आ रहे हैं। एंड और भी ऑप्शन है वैष्णो के, अगर आपको चाहिए तो मैं इन फ्यूचर ज़रूर उसकी वीडियो बनाऊंगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ये अमेज़ॉन पर अवेलेबल है तो आप उसको डायरेक्टली जाके अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो। और भी प्रोडक्ट है वैष्णो के और हार्नेस भी है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट करेगा, अमेज़ॉन का लिंक वहाँ मैं दे दूंगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, फिर भी कोई डाउट क्वेरी है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन टोटली ओपन है। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। बाय।